फ्रेंड्स जस्ट फोल्ड ऑल की वीडियो है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाकर चेक कर लेंगे चैनल को। तो गोजी मीडिया की आज की वीडियो होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो वीडियो बहुत छोटी है, पहले वीडियो को देख लेते हैं, बाद में वीडियो के बारे में बात करेंगे। और इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अच्छा वीडियोज बनाते हैं जस्ट फोल्ड ऑल, काफ़ी सारी वीडियो इन्होंने बना रखी इस टाइप की, और दुनिया भर का मसाला पड़ा इनके चैनल पर। चलो वीडियो को देख लेते हैं, बाद में वीडियो के बारे में बात करते हैं। डीमोनेटाइजेशन से देश की जीडीपी को कितना नुकसान हुआ, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे गोदी मीडिया और सुधांशु त्रिवेदी जी, देखें वीडियो में। सुधांशु त्रिवेदी हर कभी वो इस देश की आयु जो 71 वर्ष हो गई, उससे गैस डीजल और पेट्रोल की कीमतों की कीमत करते हैं, कॉम्पिटिशन देखते हैं। आज हालत ये हुई है कि इनकी 56 इंच छाती भी और देश की आयु को भी पीछे छोड़ते हुए डीजल और पेट्रोल पे 85 रुपये पहुंच गई है। अगर आपके माँ बापों ने कभी सुना होता, आपके दादा दादियों ने सुना होता, तो वो तो सोचते कि हम कौन से देश में रह रहे हैं, और उसको अच्छे दिन कह रहे हैं ये। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या ये प्रमाणिक रूप से कहा जा सकता है कि जीडीपी में इजाफे के साथ अच्छे दिन का वादा सरकार पूरा कर पा रही है? पेट्रोल डीजल की कीमतें, रुपये का रोना डॉलर के मुकाबले, ये भी तो कुछ कह रहा है। कैसी विकृत परिभाषा है अच्छे दिनों की, जुमलों से हटते और तथ्यों की बात करते हैं। देश में अगर चिड़िया रोती है, बरसात आती है, भूकंप आता है, तो इनका एक उत्तर है लेगेसी इश्यूज, 2014 के प्रॉब्लम्स हैं। आज हमारा कार्यकाल खत्म हो रहा है, अच्छी चीजें हमने की, जो प्रॉब्लम आ रही है 2014 के पहले की प्रॉब्लम है। जुम करो। अच्छा, जीडीपी ने किरकिरा कर दिया सर, जीडीपी का मतलब गैस डीजल पेट्रोल ने जीडीपी का आपका जो इजाफा है उस पे किरकिरा कर दिया। एक या व्यक्ति की इस देश में राजनीतिक जिद का भुगतान आप करेंगे। 1.5% आपने इस देश की जीडीपी डिमोनेटाइजेशन खत्म कर दी। 1.5% कितना होता है, कितने लाख करोड़ खा गए आप 1.5% डिमोनेटाइजेशन जिद से करके। आज आपने डिमोनेटाइजेशन में एक प्रकार से वापस मनी लॉन्ड्रिंग अलाउ की, काले धन को वापस व्हाइट बनवाया। तुम्हारी आंख कान नाक नाखून सब कुछ उखाड़ के अपनी खाली दुकान फुटकर की भावना बेचे तो तुम लोग देखना। आप अपनी उपलब्धियों का महिमा मंडन कर रहे हो या फिर अपनी विफलताओं का महिमा मंडन कर रहे हो, मेरे दिमाग में अभी तक यह समझ में नहीं आ रहा। आप बात कर रहे हो नोटबंदी की, जहां तक मेरे दिमाग में आ रहा है कि नोटबंदी के अंदर 150 लोगों की जो जाने गई है, भारत जैसे एक बड़े देश के अंदर 150 लोगों की जान बहुत ही महत्व रखती है सर। यहाँ इंसान की जान का मामला, उसका जवाब कौन देगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मोदी जी का अहंकार, मोदी जी का मैं मी एंड आई, यही तो इस देश को बिगाड़ रहा है। 2014 से पहले जब तेल की दाम बढ़ती होती थी तो आप कहते थे कि सरकार बढ़ाई है, अब 2014 के बाद आप आके कहते हैं कि अभी इसका तेल का दाम सरकार से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या मतलब, इसे क्या आप साबित करना चाहते हैं? आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब मरो तो मरो, ये कौन सा लॉजिक है भाई? जस्ट फॉर लोल की वीडियो थी, वीडियो काफी छोटी थी, पर गोदी मीडिया की वीडियो हम लाते रहते हैं बीच बीच में। अगर कोई पर्टिकुलर वीडियो आप चाहते हैं कि मैं वो वाली वीडियो लाऊं, तो उस पर भी रिएक्शन लूंगा, पर गोदी मीडिया बेस्ट टॉपिक है रिएक्शन देने के लिए, क्योंकि सबसे अच्छी कॉमेडी वीडियो बन चुकी है। अभी डिबेट्स वगैरह होती ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं हो रहा चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बाय बाय।